मैं भी घर में होंगी उनके पास तक भी आवाज जाएगी। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है। सही बताया कि ये जो चुनाव है ये संविधान बचाने का चुनाव है। जिस तरीके की बातें अभी कस्बे में चल रही थी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरा परिवार यहीं से शुरू होता है। मैंने अपना चुनाव, जब मैं टिकट मिला था तो मैंने अपना प्रचार प्रसार यहीं से शुरू किया था। मेरी राजनीतिक जो जन्मभूमि है, अगर मछली शहर है तो उसका जो हृदय है वो कस्बा है, और ये मेरा परिवार है। तो मैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है, तो मैं उसी पे बात करूंगी और उसके बाद किस तरीके से हमें चुनाव में काम करना है, किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधों को मजबूत करना है, प्रत्याशी को विजयी बना करके भेजना है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा ढांचा है वो है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार होता है कि वो राजनीति में आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, टिकट की दावेदारी कर सकता है। जैसा कि मुन्ना भाई ने कहा, कई बार कस्बे के हमारे हितैषी परिवार के लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप सदन में हम लोगों के बारे में बातें करती हैं, बहुत कम की इतनी हिम्मत होती है कि आज हम 100 हैं और वो 300 से ऊपर हैं। उसके बावजूद भी उनके सीएम, डिप्टी सीएम और उनकी पूरी पार्टी के सामने आप खड़ी होकर के आज माइनॉरिटी की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, दलितों की बात करती हैं, बेरोजगारी की बात करती है, हमारे युवा भाइयों की, हमारे साथियों की बात करती है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे लाइन में बैठते थे, जो पार्टी के लिए बहुत सालों से दिखा रहे थे कि वफादार है, और जिस समय वक्त आया तो वो, आपको पता है कि राज्यसभा में कैसे उन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। तो लोकतंत्र के नाते मुझे भी अधिकार था और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय डिंपल भाभी से ये कहा था कि देखिए, जिस तरीके से हम पीडीए की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो दलितों में जिस तरीके से एक पासी समाज है, वैसे ही एक घटिक समाज भी। आज अगर हम अदर बैकवर्ड को जोड़ना चाहते हैं, दलितों को जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें हमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करनी पड़ेगी। और हमने कहा था कि 80 में से कम एक टिकट रागिनी सोनकर को नहीं, खटिक समाज के किसी एक व्यक्ति को आप अवश्य दे दीजिएगा। और ये बात इसलिए कही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 टिकट दी है इस समाज के लोगों को, उत्तर प्रदेश में, बाकी देश में भी दी, अलग अलग जगह। तो जब ये बातें हुई तो इसमें ये निष्कर्ष निकला था कि अगर वहां से बीपी सरोज लड़ेंगे तो हम यहाँ से सरोज प्रत्याशी नहीं देंगे। और यहाँ तक कि सबको पता है, ये चर्चाएं चल रही थी कि बीपी सरोज जी का टिकट कटेगा क्योंकि उनका बहुत विरोध है। तो मेरे लड़ने की संभावना तो पहले से ही बहुत कम थी, क्योंकि ये संभावना थी कि बीपी सरोज जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने अगर टिकट के लिए बात की थी तो सिर्फ अपने समाज के लिए कही थी, क्योंकि मैं पीडीए को मजबूत करना चाहती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधों को मजबूत करना चाहती थी, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहती थी। उसमें बाद में ये किसी कारणवश वो निष्कर्ष निकला कि जब 27 का चुनाव आएगा तब खटिक समाज को उसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएगी और भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। उसमें बात हुई और वो वहीं खत्म हो गई। अब हमारे बीच में प्रत्याशी, अब हमारे बीच में चुनाव है, लेकिन इसको इस तरीके से बनाना कि इसमें कोई विरोध कर रहा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। देखिए, आज एनडीए की सरकार क्या कर रही है। एनडीए की सरकार ये कर रही है कि हमसे पूछ रही है कि हम गद्दार, हम देशद्रोही हैं। और वही चीज अगर आप अपने व्यक्ति से पूछने लगेंगे कि अरे तुम गद्दार हो, तो आप बताइए, आज एनडीए आपको गद्दार बना रही है। और आप आपस में लड़ने लगेंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे उनसे, लड़ पाएंगे हम? अगर आपके लिए कोई मजबूती से वहां खड़ा होकर लड़ाई कर रहा है और आप उसी से सवाल करने लगेंगे तो उसका क्या मनोबल नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। मैंने आप लोगों को अपना परिवार माना और हमेशा कहा, नगर निकाय चुनाव में एक एक दरवाजे एक एक घर गए। हाँ, नगर निकाय चुनाव में अलग होता है, वहां आपके कई सारे व्यक्तिगत चीजें भी होती हैं, उसको मैं मानती हूँ। मेरे लिए भी नगर निकाय का ये पहला चुनाव था। आपको भी पता है कि राजनीति में ये मेरा पहला पड़ाव है और मैंने अभी 2 साल हुए हैं मेरी राजनीतिक करियर में। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि पिछले वर्ष जिस समय ईद पड़ी थी, गर्मी से पूरी जनता बेहाल थी। कई दिनों तक मैं प्रॉपर खाना भी नहीं खा पा रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे अपने लोगों का ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा पा रही। लेकिन इससे पहले भी सरकार में भी
और बहुत सारे लोग रहे आपको वो मैं नहीं उल्लेख करना चाहती, लेकिन मैंने लड़ करके प्रचार